आज फिर लेट? ये कोई टाइम है क्या दुकान पे आने का? भैया घर पे थोड़ा सा काम था। तेरे को है ना, तेरे को रोज काम रहता है। तेरे बाप की दुकान नहीं है ये कि किसी भी टाइम आएगा और किसी भी टाइम चला जाएगा। रोज रोज के तेरे बहानेबाजी से ना तंग आ गया हूं। अगर तुझे यहाँ पे काम करना है तो टाइम से आना पड़ेगा। ठीक से काम करना है तो कर, वरना कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आने की। समझा तू? ठीक है भैया। चल जाकर अब काम। मूड खराब करके रख रखा है। अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो इसके साथ? आपको पता नहीं इनके घर के हालात कैसे है, तो आप तो ये तो सोचो काम पे तो आ जाता वो। और ओए, आप तू मेरा मूड खराब मत कर। पहले दिमाग खराब है, सेल नहीं हो रही है। जा चुपचाप करके अपना काम कर ले। तुम्हें घर बैठा के मैं सैलरी देने वाला नहीं हूं। ठीक है भैया। कोई नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत। अरे भैया आप, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैया वो चाय। अच्छा मतलब तू यहाँ पे भी काम करता है? इसका मतलब तू लेट आता है इस वजह से, और वहां से भी पूरी सैलरी लेता है और यहाँ भी कमा रहा है। तुम गरीब लोग है ना, होते ही बेईमान हो। और हाँ तेरे से कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, चाय बेचेगा जिंदगी भर। तुम लोगों से पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। गरीब पैदा हुए थे, गरीबी मर जाओगे तुम। और मेरी बात सुन, कल से है ना मेरी दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं चाय बेच तू। भैया ऐसा मत करो। चुप कर, यहीं चाय बेच, ठीक है? तुम गरीब लोग गरीबी पैदा हुए थे और गरीबी मर जाओगे। ये तो हर्ष है। हर्ष? अरे क्या हाल है रवि, भाई? बढ़िया भाई। एक हफ्ते से तू दुकान पे नहीं आ रहा। वो भैया ने मुझे जॉब से निकाल दिया भाई। क्या? चल ठीक है, भैया से मैं बात करता हूँ। ठीक है भाई, तू टेंशन मत लियो। ठीक है भाई। भैया से बात ही करता हूँ आज। भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ रवि बोल, क्या बात करनी है तेरे को? अभी थोड़ी देर पहले मुझे हर्ष मिला था, वो कह रहा था कि आपने दुकान से निकाल दिया उसे। पर भैया क्यों, आपको पता ना उसकी हालात कैसे है, फिर भी आपने ऐसा किया। देख उसकी ज्यादा हिमायत तो ले मत तू। जितना तेरा काम है उतना कर। उसका एक रीजन है। अरे रवि, कैसा अरे हर्ष भाई, तू क्या है? हाल है भाई? मैं बढ़िया भाई, और सुना? मैं तो बढ़िया। एक खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? क्या हाँ भाई, क्या मैंने यूपीएससी में टॉप किया है। कह रहा तू? हाँ, और मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। मुझे पता था एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और थैंक यू रवि भाई, तूने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। हाँ भाई, पर मेरे से ज्यादा सपोर्ट भैया ने किया आपको। भैया ने? हाँ भाई, भैया ने कैसे? तू पूछता था ना कि भैया हर्ष को आप इतना डांटते क्यों हो, उसको मारते भी हो। ठीक है, पहले तो आपने काम पे रखने से पहले बोल दिया था कि अपना आराम से आ जियो, और फिर बाद में इसे डांटने लगे आप, मारते भी हो। हाँ भैया, देख
अरे वो पढ़ाई में इतना अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ वो और पढ़े और पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने। और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास यहाँ पर लाइफ टाइम जॉब करता रहे। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने। मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है। ताकि उसका भविष्य अच्छा बने और उसका परिवार सुधरे। हाँ, मेरा तरीका अलग है, लेकिन मुझे यकीन है उसे बुरा तो लगता होगा, लेकिन वो ये सब सुनकर गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर उसे ये बात चुभेंगी तो वो कुछ अच्छा करेगा। ठीक कह रहे हो भाई आप, पढ़ाई में वो अच्छा है। तो बस इसीलिए उसे मैं डांटता हूँ, ताकि कल को उसके साथ अच्छा हो। और मुझे यकीन है कि उसे मेरी बातें बुरी लगेंगी और वो गलत कदम तो उठाएगा नहीं, लेकिन कुछ बन जरूर जाएगा। हाँ भैया, चल जा, कर ले अपना काम। ठीक है भैया। अच्छा, ये बात थी। हाँ भाई, भैया ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। मैं भैया से मिलके आता हूँ। ठीक है भाई।